कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। अगर सच में होते तो, अगर दीवारों का मुंह होता तो, सिर्फ दीवारों का ही क्यों? जरा सोच के तो देखो, हमारे आसपास जो चीजें हैं, अगर वो बोल सकती तो क्या कहती, उनका नजरिया कैसा होता? जरा सोच के तो देखो। अरे यार बस कर दो, ये इंसान भी ना जब देखो जल्दी में ही रहते हैं। सबको मेरी सुस्ती भरी हेलो, मैं कौन? अरे क्या बात कर दी यार, इतने अच्छे से जानते हो फिर भी नहीं पहचाना। चलो समझाती हूँ, मुझसे सभी का एक गहरा नाता है, तू अपनी कई कहानियाँ मुझे बताता है, मैं तुझे कभी ऊपर तो कभी नीचे पहुँचाती हूँ। हाँ हाँ मालूम है, काफी थका भी देती हूँ। खैर सबके उन याद भरे किस्सों में मैं एक अहम किरदार निभाती हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है नाम मेरा, मैं तो बस सीढ़ी कहलाती हूँ। हैरान हो कि मैं कैसे बोल रही हूँ? अरे आप घंटों मेरे ऊपर बैठ के फोन पे बातें करते हो तो मैं क्यों नहीं बोल सकती? अगर मैं बोल सकती तो क्या कहती? ये सोचने का टाइम तो गया, अब सुनो कि मैं क्या कहती हूँ। ये जो हमेशा जल्दी में रहते हो और मुझ पर दौड़ते रहते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। जरा ठहर जाओ, बोलने की बजाय आज सुन लो, दौड़ने की बजाय आज बैठ जाओ, इतनी क्या जल्दी है? और फिर जब मुझ पर ही गिर जाते हो, अपने खून के कतरे छोड़ जाते हो, अच्छा नहीं लगता मुझे। दुख होता है अपनी लाचारी पर कि हाथ फैलाकर तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हें बचा नहीं सकती। वैसे ना मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पता हैं। देखा था मैंने तुम्हें मुझ पर रोमांस करते हुए, और वो जो क्लास बंक करके दोस्तों के साथ टाइम पास करने मेरे पास आए थे वो भी पता है, और जो फोन पे फ्लर्ट करते हो वो भी सुना है। लेकिन जब तुम अपने दोस्त के साथ लड़ रहे थे ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर लड़ाई हो गई थी तो गले लगा लेते, प्यार से मना लेते, यकीन मानो सब ठीक हो जाता, सब सॉर्ट हो जाता। अरे हम सीढ़ियाँ भी तो यही करती हैं, तभी तो एक दूसरे के साथ कितने कितने साल चुपचाप रहती हैं। मैं तो सोचती हूँ अगर ये टास्क तुम इंसानों को दिया होता, बाप रे बाप, सोच के ही डर लगता है, रोज रोज क्या क्या देखने को मिलता। लेकिन एक बात है जिसमें तुम्हारी और हमारी सोच एक जैसी ही है, आज की जनरेशन जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो हमारी जनरेशन जैसी बात नहीं है, हम पुराने लोग हैं, हमारी जैसी समझ थोड़ी है इन्हें दुनिया की। तुम लोग अपनी जनरेशन को अपनी नेक्स्ट जनरेशन से अच्छा नहीं मानते हो और ना ही मानोगे, ये तो कहीं ना कहीं सच है, एक्सेप्ट कर ही लो। अब मैं समझाती हूँ कि हम सीढ़ियाँ ये कैसे और क्यों मानती हैं। देखो यार हमारी अगली पीढ़ी को जरा, सीढ़ी नहीं कह सकते इन्हें, गुस्सा हो जाएंगे, गरम खून है, और मॉडर्न जो है अपना नाम एस्केलेटर रखा हुआ है, ये भी कोई नाम हुआ भला, एस्केलेटर। और इन्हें भी आजकल इंसानों का भूत सवार है, दौड़ना शुरू कर दिया जी, हम तो पागल हैं, इतने सालों से शांत एक जगह टिके हुए हैं, नहीं नहीं हमने तो दुनिया देखी ही नहीं, हम तो बेवकूफ हैं। आप ही बताओ, जो यादें सीढ़ियों पे बनती हैं वो एस्केलेटर पे बन सकती हैं कभी? एक मिनट में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पहुंच जाते हैं? नहीं, आपको अपने सीढ़ियों के हर किस्से की कसम, बताओ जरा। कहते हैं दुश्मन का मुकाबला करना है तो मॉडर्न होना पड़ेगा, अब आपको हमारा दुश्मन भी नहीं पता होगा, लिफ्ट, लिफ्ट है हमारी दुश्मन, समझते हैं आपको थका देते हैं मगर आपका भार भी तो उठाते हैं और मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। और वक्त की तो आप बात ही मत करो, सुकून ढूंढने आप हमारे पास ही आते हैं। कमाल है यार, काश सीढ़ियाँ बोल पाती, मेरी तो बेस्ट फ्रेंड बन जाती।
रोती तो मुझे चुप कराती, लड़ती तो गले लगाती, मुझे ढेर सारा वक्त देती, गिरने से भी बचाती। चलो फिर अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ आपको क्या लगता है, अगर सीढ़ियाँ बोल पाती तो क्या कहती।